प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला लखनऊ विश्वविद्यालय के जानकीपुरम स्थित न्यू कैंपस का है, जहां बीबीए की एक छात्रा ने एक पास आउट छात्र पर छेड़खानी और व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा ने पूरे मामले की लिखित शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन को की है। स्टूडेंट है, उसने अपने एक सीनियर जो कि यहां से पास आउट हो चुका है एमबीए में, उसके खिलाफ कंप्लेंट की है। उसने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इससे पहले ये दोनों एक दूसरे से परिचित थे, लेकिन जब इस स्टूडेंट को ये पता चला कि वो स्टूडेंट कई अन्य तरह की गलत हरकतों में शामिल है, तो उसने उससे जो है अपना संपर्क समाप्त किया। जब उसने उससे संपर्क समाप्त किया, उसने कहा कि आपकी और हमारी जो भी अपना मित्रता है या जो भी हमारी जान पहचान है, वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। उधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां बीए के छात्र ने छात्रा से छेड़खानी की और छात्रा के विरोध करने पर उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। वहीं छात्रा की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए चीफ प्रॉक्टर ने आरोपी छात्र को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करते हुए कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी और इलाहाबाद से सैयद रजा की रिपोर्ट।